कल पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, मैम ने आपको बुलाया है। अरे बेटा अपनी मम्मी को ले जा, पिछली बार मेरी बहुत डांट पड़ी थी, तू ना तो पढ़ता है और शैतानी भी बहुत करता है। पिछली बार तेरी मैडम ने मुझे बहुत डांटा था, इस बार तेरी मम्मी को लेकर जा। बंटी तेरे पापा तो है भी डांट खाने लायक, इनको तो डांट पड़नी भी चाहिए, और वैसे भी कुछ काम के नहीं है, मैं ही चलूंगी तेरे साथ। हाँ हाँ जाओ जाओ, कल डांट खा कर आओ, पता चलेगा। अच्छा तो आप है बंटी की मम्मी? अच्छा तो आप है बंटी की टीचर? हाँ हाँ बंटी की टीचर हूँ, तभी तो यहाँ क्लास में बैठी हूँ, दिखता नहीं है? तो बंटी के साथ आई हूँ तो मैं भी बंटी की मम्मी ही हूँ ना। जैसा बंटी वैसे बंटी की माँ, और जैसा बंटी वैसी ही बंटी की टीचर लगती है। देखो कैसे दांत निकाल रहा है, ये बहुत शैतान है, पढ़ाई भी बिल्कुल नहीं करता, आप इसे कुछ समझाती क्यों नहीं? वही तो मैं आपको बोलने आई हूँ, ये बहुत शैतानी करता है, पढ़ाई बिल्कुल नहीं करता, आप इसकी पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं देते? अरे हद ही हो गई, अपने बच्चे को डांटने की बजाय आप मुझे ही बोल रही हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम कैसी टीचर हो, टीचर का काम होता है बच्चों को सुधारना और पढ़ाना, और आप मुझे ही बोल रही हो कि ये शैतानियां करता है, पढ़ाई नहीं करता है, तो तुम क्या करती हो स्कूल में? चलो लड़ाई का पहला राउंड समाप्त हुआ, पहले राउंड में कोई नहीं जीता। बदतमीज, ज्यादा बोलना आ रहा है तेरे को? अभी मारा, वैसा पहले मारा होता तो बिगड़ता नहीं है। इसी तरह आप अगर इसको क्लास में थप्पड़ मारती तो आपको मुझे ये सब शिकायतें नहीं करनी पड़ती। बस बहुत हुआ, अभी मैं प्रिंसिपल को फोन करती हूँ और आपके बच्चे की टीसी कटवाती हूँ। बच्चा तो बच्चा, मम्मी को भी बोलने का कुछ नहीं, कुछ भी बोले जा रही हो, बहस करती हो टीचर से। टीचर ऐसे होते हैं क्या? अभी इसके पापा को फोन करती हूँ और टीसी कटवाती हूँ इसकी, ऐसे स्कूल में जहाँ टीचर को ही बोलने का वो नहीं हुआ, बच्चों को क्या सिखाएंगे? अभी फोन करती हूँ मैं। हेलो सर, ये बंटी की मम्मी यहाँ पेरेंट्स टीचर में आई है और मुझ पर ही गुस्सा कर रही है, मैं चाहती हूँ कि बंटी की टीसी काटी जाए और बंटी को स्कूल से निकाल दिया जाए। अरे क्या बोलती हो, वैसे भी अपने स्कूल में इस साल बहुत बच्चे टीसी गए हैं, और बच्चे नहीं बस अपना स्कूल चलाना है या बंद करना है, तुम्हें अगर दिक्कत है तो तुम चली जाओ, पर स्कूल से बच्चों को मैं और टीसी नहीं दे सकता। ओके सर ओके, मैं बोल देती हूँ इसकी मम्मी को। प्रिंसिपल सर ने बोला है या तो आपको मुझसे सॉरी बोलना होगा वरना बच्चे को टीसी काट दी जाएगी। रुको अभी इसके पापा को फोन लगाती हूँ इसकी टीसी कटवाने के लिए। सुनो ये बंटी की मैडम बहुत बदतमीज है, बंटी अगर इस स्कूल में रहेगा तो पता नहीं क्या सीखेगा, इसकी टीसी कटवा लेते हैं इस स्कूल से। अरे तुम्हें पता है ना बंटी को कितनी स्कूलों से निकाला जा चुका है, अगर बंटी को इस स्कूल से भी निकाल देंगे तो किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा, अब जैसी भी टीचर हो हमें बंटी को इसी स्कूल में पढ़ाना होगा। ठीक है मैं बोल देती हूँ मैडम को। बंटी के पापा ने बोला है अगर मैडम तुमसे सॉरी नहीं बोलती है तो कल ही हम इसकी टीसी कटवा लेंगे, सॉरी बोलना होगा आपको मुझे अगर इसको स्कूल में रखना है तो। अरे हमारे प्रिंसिपल तो खुद इसे निकाल देंगे अगर तुमने मुझे सॉरी नहीं बोला तो। देखो मैडम मुझे सब पता है, ना तो प्रिंसिपल मुझे इस स्कूल से निकाल सकते हैं और ना मुझे पापा, क्योंकि मुझे पता है मेरा को कोई स्कूल एडमिशन नहीं देने वाली, तो दोनों की मजबूरी है, मुझे रहना यही है। दोनों अब झूठ बोलना बंद कर दो।